हेलो व्यूअर्स, आज आप लोगों का बताएंगे कि WPK-30 मॉडल का जो पाम्प सेट है, पेट्रोल केरोसिन वाला पाम्प सेट, इसको आप कैसे स्टार्ट करिएगा। दोस्तों, मैक्सिमम कस्टमर को ये शिकायत होता है कि ये जो पाम्प सेट है इसको ठीक तरह से ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, मेंटेनेंस कैसे होता है, ये उन लोगों का ठीक समझ में नहीं आता, क्लियर नहीं होता। तो उन लोगों के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये है पाम्प सेट, ठीक है। तो इसका नीचे देखिए, साइड में ये ब्लैक कलर का जो हो ये है ऑयल गेज, ठीक है। इसमें आपको ऑयल डालना पड़ता है, 800 ml ऑयल लगता है इसमें। तो मेरा यह पहले से ऑयल डाला हुआ है तो डालने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑयल डालने के बाद इसका जो ऊपर में रेड कलर का ये है इसका फ्यूल टैंक। इसमें देखिए दो कैप दिया गया है, मतलब ये दो तरह का फ्यूल लगता है इसमें। गैसोलीन है एक, एक केरोसिन है, ठीक है। तो ये गैसोलीन वाला में आप पेट्रोल डालिएगा एंड केरोसिन में आप केरोसिन डाल दीजिएगा, ठीक है। ये फ्यूल डालने के बाद आप इसका फिर साइड में आ जाइएगा। साइड में देखिए एक रेड कलर का स्विच दिया गया है, ठीक है। ये देखिए, ये जो स्विच है इसमें देखिए लिखा है आपका ऑन ऑफ, तो इसको आप ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। ये स्विच को ऐसे ऐसे ऑन कर लीजिएगा आप। ऑन करने के बाद आप फ्रंट में आ जाइए, इसका फ्रंट में आ जाइएगा, ठीक है। फ्रंट में देखिए और एक तो स्विच है जिसमें आपका लिखा है स्टार्ट स्टॉप रन, मतलब जब स्टार्ट करिएगा तब तो आप ये स्विच को ऊपर की तरफ करना है ताकि उसमें आपका पेट्रोल आए कार्बोरेटर में, ठीक है। और बंद करने के समय इसको स्टॉप में लेके आइए, और जब इंजन रन करेगा तब तो उसको आप नीचे के तरफ रन पे दे देना है, ठीक है। ऐसे घुमा के इसको रन पे दे देना है। अच्छा, इसको ऊपर की तरफ अभी करना है क्योंकि अभी स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट पे रखिएगा। स्टार्ट रखने के बाद आप साइड में जो है ये है चोक लीवर, इसको आप इस तरफ खींच लीजिएगा, ठीक है। खींचने के बाद आप कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ यहाँ से आपको ये रस्सी खींचना है। रस्सी खींचने से ये स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद दोस्तों क्या करना है, ये जो चोक लीवर है इसको जैसा था फिर ऐसे ही कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों ये स्टार्ट हो चुका है, अभी इसको आप बंद करने के लिए ये साइड में जो आपका ये रेड कलर का स्विच दिया गया है वो स्विच को आप ऑफ कर दीजिए, ये बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारा कस्टमर है जो ये खरीदता है लेकिन इसको ऑपरेट कैसे करना है, इसको स्टार्ट कैसे करना है, वो अच्छी तरह इसको क्लियर नहीं होता। तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंच दीजिएगा। अगर आप हमारा चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे का जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। Subscribe the channel.
and press the bell icon for latest videos. Thank you.